अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में अपन जो है और एक अपडेट देने वाले हैं। तो अपने को प्रेजेंट जो भी अपन ब्रीडिंग केजेस लगाए तो उसकी वजह से जो है अपने को कितने फ्राइस बचे, तो वो बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली आपके लिए। तो प्रेजेंट देख सकते हैं, ये टैंक में जो है अपन ये फ्राइस के लिए छोड़ दिए। तो इसमें जो है सारे गप्पी के फ्राइज रहते हैं और इसमें नियरली 100 फ्राइज तक तो है। और ये 100 फ्राइज भी जो है एक ही फीमेल निकाली मेरे पास, रेड रोज की कॉली डोर्सल की गप्पी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 100 फ्राइज तक तो है। मैं ज़्यादा काउंट बोल तो प्रॉपर काउंट नहीं करा मैं, कितने हैं मेरे को ज़्यादा नहीं मालूम। 100 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, 100 से कम भी रह सकते हैं, बस एक 5-6 का फ़र्क है। और ये फ्राइज का साइज़ भी जो है बहुत छोटा है। तो अपन प्रेजेंट इनको जो है ये आर्तेम्या के जो BBS है ना, बेबी ब्रांड श्रिम्स, वो फीड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट तो अपन ये फीड कर रहे हैं दोस्तों। और अपने को जो है ये ब्रीडिंग के जैसे यूज़ करने की वजह से जो है बहुत सारे फ्राइज बच गए अपने। और इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी जो है इसके फ्राइज है। ये रेड ड्रैगन के फ्राइज जो है अभी मेरे को कन्फर्म हुआ है कि ब्लैक टेल्स देखकर, तो ये रेड ड्रैगन डार्क नाइट के फ्राइज हैं। और देख सकते हैं कि ग्रोथ भी जो है बहुत फास्टली हो चुकी है। और इनके बाद भी जो है थोड़े ये फ्राइज हैं, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि ये कोसा स्ट्रेन है। अगर इनके भी टेल्स को कलर रेड कलर या कोसा तो ब्लैक कलर आ रहा हो तो ये भी अपने कन्फर्म हो जाता कोसा स्ट्रेन है। सो और अभी अगर इनका एज बढ़कर मेल एंड फीमेल आइडेंटिफाइबल है बोलता अपन फीमेल्स को जो है सेपरेट कर देते हैं, और फीमेल्स को और मेल्स को सेपरेट ग्रूम करते हैं अपन। और अपने पास जो है यहाँ पर भी एक 100 फ्राइज है, और यहाँ पर जो है नियरली अपने के एक 40-50 फ्राइज तक तो है इसमें। और इधर भी जो है अपने को आप देख सकते हैं इसमें भी जो है एक 50 फ्राइज तक तो है, 50 नहीं एग्जैक्टली मेरे ख्याल से बोलते 40 फ्राइज तक तो रहते हैं। और ये जो है एक ही फीमेल निकाली प्लैटिनम डंबो ईयर की, तो ये प्लैटिनम डंबो ईयर लाइन है इसमें। और फ्राइज भी देख सकते हैं आप, फ्राइज की काउंट ऑन काउंट। और आप और इनका भी ग्रोथ जो है जल्दी छोड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बहुत स्लो है मेरे पास, खास करके अभी ये जो सीज़न चल रहा रेनी सीज़न, तो इसमें अपने पास जो है इनफ क्वांटिटी मोइना नहीं होता कल्चरिंग, और इसकी वजह से जो है इनको फीड का भी जो है थोड़ी कमी हो सकती है अपने पास। तो प्रेजेंट अपन जो है इनको मोइना तो फीड कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोइना। और ये मोइना भी साइज़ जो है थोड़ा बड़ा है, तो उसकी वजह से ये फ्राइज जल्दी खा नहीं सकते इनको, तो थोड़ा थोड़ा करके अटैक करके तो खा लेते गप्पी के फ्राइज। और अपने पास जो है ये एक 10 डेज के फ्राइज है मेरे पास, और इसमें जो है अभी ब्रीडिंग चल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें भी जो है वी ब्रांड श्रिम्स के एग्स हैं, तो इसमें से ऑलरेडी मैं सारे कलेक्ट कर चुका हूँ। और इधर भी जो है अपने पास ब्रीडिंग चल रही है स्नेक स्किन डूटेल की, आप देख सकते हैं कितना एक्टिव है। और अपन जो है इसके ऊपर ये चकला मूछ के रख रहे, कहीं को तो धूल बहुत गिर रही है यहाँ पर टबाव में, तो उसकी वजह से जो है और बारिश भी नहीं पड़ना और जो है धूल भी नहीं पड़ना होगी, मैं टबा मूछ के रख रहा हूँ। और इसमें भी जो है एक मेटललेस गप्पी का पेड़ है जो कि अभी ब्रीडिंग के स्टेज में है। अभी ब्रीडिंग होने के बाद फीमेल लोड हुई बोले तो अपने मेल सेपरेट कर ले गए अपन, फीमेल जो है ब्रीडिंग केज में डाल लेते हैं। अपने पास सारे ब्रीडिंग केजेस को जो है भर चुके हैं अपने, सारे ब्रीडिंग केजेस तो अभी यूज़ में है। तो प्रेजेंट अपन जो है एक इधर जो अपन एक डब्बा बनाए थे इधर सुरा, तो दोस्तों अपन जो है ये इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करते हैं। ये जो है ये भी एक ब्रीडिंग केज के टाइप में है, इसमें जो है ज़्यादातर 2 फीमेल्स ही चाहते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं आते। तो अगर अपने पास जो भी फीमेल अगर अनफॉर्चुनेटली बच्चे निकाल रही है बोले तो अपन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल कर ऐसे डाल ले तो बस है। आप कौन से भी टब में डाल लो ये फ्राइज रिटर्न फिर ये डब्बे में नहीं जाते, कहीं बोले तो वो जो है बहुत होशियार रहते हैं, वो पैदा होने के टाइम भी जो है डब्बे के बाहर आते, फिर बड़े होने के बाद तो रिटर्न उसमें नहीं जाते, आपको मालूम शायद इतना तो ही। अपन डायरेक्टली इसमें कर सकते हैं, अगर फ्राइज जो है फ्राइज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया बोले तो आपको जब जो है फ्राइज को निकाल कर फीमेल को इसमें ये डब्बे में डाल के इसमें रखना पड़ता। अगर फ्राइज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है वो तो वो भी जो भी वो गप्पी फ्राइज दे रही है वो फ्राइज को जो है ये बड़े फ्राइज खाने के चांसेस रहते ज़्यादातर, कहीं बोलता अगर फुट की कमी है बोले तो ये अटैक करके खा सकते उनको, और कभी कभी अटैक करके मार भी सकते हैं, और खाते नहीं पूरी तरह से खाते नहीं, लेकिन खाली अटैक करके मार देते हैं उनको एक के बाद एक। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे का वीडियो है, वीडियो क्लिप है। तो अपने पास जो है और एक फीमेल फ्राइज तो निकाल चुकी है इसमें, मैं अभी वीडियो जो बनाया था उसके एक दिन बाद ये फ्राइज निकले,
तो आप देख सकते हैं फ्राइज का साइज जो है बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस फ्राइज। तो पहले के फ्राइज से जो है ये फ्राइज का साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब है जो है दूसरी फीमेल निकाली है, कौन सी की अलग फीमेल तो निकाली है आप देख सकते हैं। और ये भी जो है एक नियरली 30 to 40 फ्राइज तक तो है दोस्तों मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। कई बोलते अपन जो है ज़्यादातर काउंट नहीं करते फ्राइज का, काउंट कब करते बोले तो एग्जैक्टली वो मेल एंड फीमेल आइडेंटिफाइबल एज में आए बोले तो, जब मेल एंड फीमेल को चेंज करके अलग अलग करके जब चेंज करके अपन काउंट देते काउंट कर लेते। जब यहाँ पर तो अभी मैं देख सक रहा हूँ कि मेरे को तो फ्राइज जो है एक 30 to 40 तक तो दिख रहे, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर बुकेश वहाँ पर बुकेश नहीं, तो इधर भी है आप देख सकते हैं ये पूरा उधर तक वो कोने तक पहले से फ्राइज। तो ये है दोस्तों अपनों को बेनिफिट्स। तो अपना प्लान जो है बहुत ही अच्छे से जो है सक्सेस तो हो रहा है ये ब्रीडिंग केजेस बनाने की वजह से। और अपन जो है यहाँ पर फीमेल्स का साइज भी आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े फीमेल्स है ये, तो अपने को ये फीमेल्स जो है कभी भी सेल करने का नहीं है। अभी इससे जो है अपन बहुत सारे बैचेस निकाल सकते हैं। जस्ट अपने क्या करना है आप बोल तो अपन जो है हर एक 3 बैचेस के बाद मेल को चेंज कर देना अपन देख सकते। और यहाँ पर भी जो है अपने फ्राइज है, इसमें भी जो है 100 फ्राइज तक तो है। मैं बस आपको जो है ये ब्रीडिंग के जिसकी वजह से जो है अपने को क्या फ्राइज की काउंट कितनी आ रही है वो बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहता बोल के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।